हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सिकंदर का आगमन। कैसे हम लोग उसको मैप वाइज पढ़ेंगे और चुटकियों में उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं उसको याद करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरा उद्देश्य केवल आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाना नहीं है बल्कि पढ़ने का तरीका भी बताना है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे ताकि रिमेम्बरिंग हमारा बढ़ेगा या फिर हमारे नॉलेज थोड़े से वाइड होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिकंदर का आगमन। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व विजेता के अभियान में निकला था, इतना तो आपको पता होगा। सिकंदर जो है वह सीरिया क्षेत्र से भारत पर आया हुआ था। तो उससे पहले कुछ सिकंदर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 356 बीसी यानी ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था और उसके पिता मकदूनिया के राजा थे। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है 329 बीसी में और उसके बाद उसे मौका मिलता है राजा बनने का, तो वह विश्व विजेता बनना चाहता है। उसके सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु से आप परिचित होंगे, इन्हें पॉलिटिक्स का पिता, बायोलॉजी का पिता, जूलॉजी का पिता कहा जाता है, वही अरस्तु है ये। और अरस्तु के भी गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के भी गुरु थे शुक्रार। ये कई एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सिकंदर के गुरु अरस्तु, तो गुरु से आज्ञा लेकर के वो विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से ये सीरियन और इराक क्षेत्र से भारत की ओर इसी ओर से बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीज बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यह मैप आपने देखा होगा, इस तरफ बंगाल की खाड़ी होती है और इस तरफ आपने पढ़ा है अरब सागर, और यहां से लेकर के ये हिस्सा हिमालय पर्वत। तो क्या था कि भारत में अगर किसी भी लड़ाकुओं को प्रवेश करने की मंशा थी तो वो इस क्षेत्र से आ नहीं सकते थे, क्योंकि एक हिमालय जैसी बड़ी बाधा थी। इस क्षेत्र से आ नहीं सकते थे जलीय क्षेत्र से, क्योंकि उनके लिए जल सेना का बड़ा ही प्रबल होना बहुत जरूरी था। तो एक यही क्षेत्र था जहां से भारत में आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। ये हिंदू कुश पर्वतमाला यहाँ पे था, आप तक्षशिला जानते होइएगा। तो सिकंदर इसी रास्ते से विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से आता है और 326 बीसी में, ध्यान दीजिए, 326 बीसी में वह विश्व विजेता बनने के लिए भारत अभियान पे आता है। वह इस क्षेत्र में जब आता है जिसका नाम था तक्षशिला, वहां के एक राजा थे अम्भी, याद रखेंगे क्या राजा का नाम था, अम्भी। ये राजा स्वतः ही सिकंदर के इस अभियान को जो है स्वीकृति दे देता है, उनसे मिल जाता है और उन्हें मदद करने लगता है, और इस तरह से वो बढ़ते हुए भारत के आंतरिक क्षेत्रों में पहुंचते हैं। जब वो पंजाब में पहुंचते हैं तो पंजाब में एक राजा से उनकी लड़ाई होती है, पढ़ा होगा आपने, राजा पोरस के साथ, जिनका नाम पुरु भी था। यहां से झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई होती है। बहुत सारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इस नदी के तट पे जो है सिकंदर और राजा पोरस की लड़ाई हुई थी, झेलम नदी के तट पे। और यूनानी इतिहास में इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि वो झेलम को हाइडे स्पीच कहते थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइडे स्पीच का युद्ध। और इस नदी के तट पे युद्ध होता है और अंततः सिकंदर जीतने में सफल रहता है। फिर वह सिकंदर आगे का अभियान करना चाहता है और इसके तहत वह और आगे बढ़ता है, तो उसको मिलता है व्यास नदी। व्यास नदी, सिकंदर की सेना इस व्यास नदी को पार करने से मना कर देती। अब इसके कई रीजन थे, जैसे एक आगे आकर के उसका एक मगध वंश से सामना होने वाला था, जो भारत का सबसे बड़ा वंश था, जिसका जिस पर उस पर नंद वंश का शासन चल रहा था और उस नंद वंश का शासक था घनानंद। तो इससे सामना न करने के डर से ही शायद सैनिकों ने मना कर दिया, और इस तरह से सिकंदर को इस व्यास नदी से वापस लौटना पड़ता है और वो जो है ये अपना अभियान जो है यहीं पे समाप्त कर देता है। तो ये क्वेश्चन आता है, सिकंदर की सेना किस नदी के तट से वापस लौट गई थी, व्यास नदी के तट से, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था, झेलम नदी के तट पे। यह अभियान वो 326 में शुरू किया था, 325 बीसी में इस अभियान का अंत कर वह वापस लौटने लगता है।
इस क्रम में वह भारत में 19 माह रहता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए कि सिकंदर अभियान के तहत भारत में कितने दिन तक रुका था, 19 माह तक रुका। अब सिकंदर के आगमन से जुड़े हुए दो तीन क्वेश्चन और आ जाते हैं। वह जब झेलम की नदी के तट पर लड़ा था तो वहीं पे उसकी घोड़े की मौत हो गई थी, ठीक है। बहु केफला, उसके घोड़े का नाम था बहु केफला, और उसने अपने इस घोड़े के नाम पर ही इस झेलम नदी के तट पे एक शहर बसाया था, बहु केफला शहर, ठीक है। फिर जब वो लौटने लगता है तो जो उसका विजित प्रदेश रहता है ये पाकिस्तान क्षेत्र में और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो काबुल वगैरह था, वह विजित प्रदेश अपने सेनापति को सौंप देता है। उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। बाद में आप पढ़िएगा जब मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और इस सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है। तो सेल्यूकस निकेटर को वो सेनापति जो था उसका, उसे वो यहाँ पे सारा विजित साम्राज्य छोड़कर अब खुद स्थलीय मार्ग से वापस लौटता है, जबकि एक दूसरी सेना जो जल सेना थी उसको जलीय क्षेत्र से लौटाता है। उस जलीय सेना के जो सेनापति थे वो थे निर्याकस। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि सिकंदर के जलीय सेनापति कौन थे, निर्याकस। सीधे सेनापति पूछेगा सेल्यूकस निकेटर। लौटने के क्रम में 323 बीसी में मात्र 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन यहां लिख रहा हूं लेकिन बेबीलोन यहां पर है ईरान क्षेत्र, तो ये बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, बड़ी आसानी से इस पर आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि सिकंदर ने जो है 326 में भारत पर अभियान शुरू किया, 325 में वो वापस लौटता है, मात्र 19 महीने जो है वो भारत में रहता है। इस दौरान वो राजा पोरस से लड़ाई करता है, ब्यास नदी के तट से उसकी सेना वापस लौट जाती है, और जिस समय वो भारत पर अभियान करता है मगध पर नंद वंश का शासन रहता है, और नंद वंश का उस समय एक अत्याचारी शासन कर रहा होता है, उसका नाम था घनानंद। अब ये रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा उसके बैकग्राउंड से फिलिप, उसके पिता, गुरु अरस्तु, ये सारे आप याद कर सकते हैं। बेबीलोन में 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो जाती है मात्र 33 वर्ष की आयु में। अब ये क्वेश्चन जो बड़ा ही रोचक है हिस्ट्री के दृष्टि से कि पूछा जाता है कि सिकंदर के आगमन का सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को क्या मिला। ये तो सबको पता है कि सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने की चाह में आया था और वो उसका पूरा नहीं हुआ, तो वो तो उसकी कमजोरी रही। लेकिन भारत को एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि सिकंदर के इस इतिहास को यूनानी इतिहास में डेट वाइज लिखा गया, तो इससे भारतीय इतिहास को लिखने में बड़ी मदद मिली। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे जो आंकड़े या व्याख्याएं लिखी गई हैं उनमें किसी में भी तिथि का वर्णन नहीं किया गया। यह पहला अवसर था जिसमें हमें डेट मिला, और इसके माध्यम से हमने भारतीय इतिहास को भी क्रमबद्ध करने का प्रयास किया कि मगध किस समय था। बाद में ये भी पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस घनानंद को मार करके 321 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ये सारी जो गुथियाँ थी ये कैसे सुलझी, तो ये सिकंदर के आगमन से। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से इस मामले में सिकंदर का आगमन लाभकारी सिद्ध होता है। तो आपको सिकंदर से रिलेटेड इतने पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से दोबारा देखिएगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको मेमोराइज कीजिएगा। केवल डायरी में लिखना या कॉपी में लिखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हम उसे ब्रेन में लोड करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में हम उसका यूज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।